हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पार्ट टू लेके आया हूँ शहरी वेबसाइट से रिलेटेड। शहरी वेबसाइट पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं और शहरी वेबसाइट बनाए हैं तो आपको कीवर्ड कहाँ से लाना है, तो मैं आपको कीवर्ड बताने वाला हूँ। आज पार्ट टू है, इसमें फिर मैं 5 कीवर्ड्स बताने वाला हूँ और इसी तरह का भी सीरीज चलता रहेगा। आप पार्ट थ्री जो होगा वह कल आएगा और अभी इसको आप लोग देखिए, तब तक इस पर वर्क कीजिए इस कीवर्ड पे। उसको पार्ट थ्री कर लाऊंगा, तब तक के लिए वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विकास कुमार डिजिटल को। और उसके बाद आप अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कीवर्ड्स रिसर्चिंग की पूरी जानकारी मैं देता हूँ। आप कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्चिंग करके कैसे पैसा कमा सकते हैं ये भी मैं बताऊँगा। वहाँ पर कीवर्ड्स बेच के पैसा कैसे कमा सकते हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो उसको मैं प्रीमियम में वहाँ पे है, उसका चार्ज 199 है वहाँ पे, यानी कि 2000 रुपया है। तो आप अगर कीवर्ड रिसर्चिंग पूरी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और चलिए, आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं कि आज का वीडियो हमारा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला मेन कीवर्ड है वह है यहाँ पर सुविचार इन हिंदी। यानी कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह, जो लोग एज को जिनका हो गया है, बूढ़े लोग हो गए हैं, और वो लोग, यानी कि ऐसा नहीं है कि बूढ़े ही लोग ये सब सर्च करते हैं, हम लोग भी सर्च करते हैं, लेकिन अधिकतर वो लोग सर्च करते हैं ये लोग सुविचार। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सुविचार इन हिंदी, आप यहाँ शहरी यहाँ पे सुविचार लिख सकते हैं। इस पर आप अच्छी खासी पोटेंशियल है, आपको पोटेंशियल अच्छी खासी मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 बैकलिंक पे रैंक है, यहाँ पे DA देख सकते हैं, इनका DR रेटिंग यानी डोमेन रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है फिर भी ये रैंक है। तो आप इस कीवर्ड पे आसानी से रैंक कर सकते हैं अगर 5-7 बैकलिंक बना देते हैं तो। तो दोस्तों, चलिए मैं अगला कीवर्ड, आज का नेक्स्ट कीवर्ड बताता हूँ, तो आप इस पर काम कीजिए। तो बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में, आगे मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट में आपको बताऊँगा कैसे रैंक करना है ये सब कीवर्ड को। तो हमारा आज का दूसरा कीवर्ड है वह मोटिवेशनल शायरी। यानी मोटिवेशनल, जो मोटिवेट कैसे हो किसी काम को लेके, तो आप मोटिवेशनल कीवर्ड बता सकते हैं। इसका CPC तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना है। से यहाँ पे आप देख सकते हैं $1 का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में $1 का है, तो यार दूसरे कंट्री में कितना होगा। तो यह इंडिया के लिए ही कीवर्ड है, तो इसीलिए इंडिया में $1 है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा से काम करते हैं, आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्राफ जा रहा है। अगर आप इस पे अच्छी से अगर वर्क करते हैं तो आप अगर रैंक करवा लेते हैं तो आपको बहुत सारे, बहुत ही अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, सॉरी बहुत सारे यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाली है अलग अलग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो है LSI कीवर्ड्स है। अगर आप लोग यहाँ से LSI कीवर्ड नहीं निकालना चाहते हैं तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि आप LSI कीवर्ड और कहाँ से निकाल सकते हैं। तो LSI कीवर्ड्स क्या होता है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, वीडियो में आपको लिए बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं क्या होता है, चलिए बताता हूँ एक मिनट, LSI कीवर्ड्स को बता देता हूँ कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं। तब तक यहाँ पे सर्च होने दीजिए, तब तक इधर से और कुछ हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, मेरा नेट स्लो है, एक मिनट। हाँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जब सर्च करते हैं तो गूगल जो सजेशन देता है ये सब LSI कीवर्ड के अंतर्गत आता है। आप ये सब को यूज करके अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं, अच्छी खासी भी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो अगला कीवर्ड होने वाला है वह लव शायरी इन हिंदी। यानी कि जो लोग लव कर रहे हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप लोग समझ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं, और वो लोग के लिए यह कीवर्ड्स है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब का पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि यह कभी नहीं बंद होने वाला है। इस कीवर्ड आप ग्राफ छोड़ दीजिए, यह कीवर्ड्स आपको कभी नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि लव कभी छूटने वाला नहीं है। तो एक दोनों के बीच अगर आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग मैसेज करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो डोमेन रेटिंग है, उससे पहले आप देख सकते हैं ब्लॉग स्पॉट पर रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट पर रैंक है, तो आपको रैंक करना बहुत ही आसानी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब में थोड़ा सा बैकलिंक ज़्यादा है,
बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बैंकिंग से मतलब नहीं रखते, अगर कंटेंट अच्छा लिखते हैं तो आप आराम से ऊपर रैंक कर सकते हैं इस कीवर्ड पे। तो आपको इस कीवर्ड पे LSI का ये सब का भी यूज करना है, LSI का भी यूज करना है, कम से कम आपको 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। चलिए मैं अगला कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, लव शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड, यानी कि लव शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड्स के लिए जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका, इसमें आपको 13 से 15 बैकलिंक बनाने होंगे तब आप रैंक कर सकते हैं, लेकिन CPC भी अच्छी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से वेबसाइटें रैंक है, यहाँ पे लव सब देख सकते हैं, लव सब देख सकते हैं, शायरी कलेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकलिंक बिल्कुल कम है, यहाँ पे बैकलिंक बिल्कुल जीरो है। अगर कुछ भी ट्रैफिक यहाँ से आप रैंक कर जाते हैं आ जाता है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया ये सब का, तो वो सब का यूज कर सकते हैं आप, और वहाँ से भी आप ट्रैफिक ला सकते हैं। तो इनका भी LSI आप देख लीजिए कि क्या है LSI कीवर्ड इसका भी, क्योंकि यहाँ पे LSI कीवर्ड थोड़ा कम शो कर रहा है, तो आप गूगल का भी LSI कीवर्ड यहाँ पे रियल होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक सेकंड देख सकते हैं यहाँ पे जितना LSI कीवर्ड है ये सब पर भी आप रैंक करवा सकते हैं। तो एक कीवर्ड में मान लीजिए अगर 500 भी ट्रैफिक आता है तो आप देख सकते हैं 5,000 ट्रैफिक आप ले आ रहे हैं एक कीवर्ड से, एक आर्टिकल से, LSI का यूज करके, LSI कीवर्ड का यूज करके आप 5,000-4,500 के ले आ रहे हैं, तो इससे अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती है। आप यहाँ पे भी अच्छी खासी आराम से अर्निंग कर सकते हैं इस कीवर्ड का यूज करके। तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड होने वाला है वह है यहाँ पे शायरी इन इंग्लिश। अगर आपका वेबसाइट इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में भी शायरी लिख सकते हैं, जो कि आपको अदर कंट्री का भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका CPC बहुत ही अच्छा, ग्राफ भी अच्छा बढ़ रहा है अभी इस कीवर्ड को लेके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब वेबसाइटें यहाँ पे रैंक है, ये सब इंग्लिश में मीडियम रैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पिंटरेस्ट, जब रैंक करता है तो इसको सुन लीजिए, जब कंटेंट बिल्कुल ही ख़राब होता है तब पिंटरेस्ट वगैरह रैंक करते हैं। तो यहाँ पे पिंटरेस्ट रैंक है, तो आप अगर कीवर्ड्स अच्छा दे देते हैं और कंटेंट अच्छा से यूज करते हैं, LSI का अच्छा से यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल ही ऊपर टॉप में रैंक कर जाइएगा विद इन 1 मंथ, अगर अच्छी से अगर आप काम करते हैं तो। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको रैंक कैसे करवाएं तो बने रहिए हमारे साथ, आगे मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे रैंक करवा सकते हैं इनके ऊपर। तो ये सब कीवर्ड पे अगर आपको रैंक करवाना है तो सबसे पहले LSI का यूज कीजिए, और जो मेन कीवर्ड है उसको टारगेट कीजिए, SEO कीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक दो बैकलिंक वगैरह बना लीजिए हाई क्वालिटी, किसी से गेस्ट पोस्ट ले लीजिए, उसके बाद आप आराम से रैंक कर सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छी तरीक़े से रैंक कर सकते हैं। अगर आपको SEO के ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको मैं बताऊँ, हम वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, उसके ऊपर पूरा फुल वीडियो होगा, उस पर आप SEO सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐसा मैं प्रीमियम चीज़ वहाँ पे आपको देता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, पार्ट 3 में मिलते हैं, पार्ट 2 है।